हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिविल टेक्नो इंडिया। मैं हूं दिशांत और आज मैं आपको मुंबई टू अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेलवे का कॉरिडोर बनाया जा रहा है उसके C4 पैकेज पर लेके आया हूं। यहां पर काम किस तरह से किया जा रहा है उसको डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको C4 पैकेज का पूरा डिटेल दे देता हूं, ये कहां से कहां तक के लिए बनाया जा रहा है और C4 पैकेज को कब तक खत्म कर लिया जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं पैकेज C4 के प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी के लिए यहां पर बोर्ड लगाया गया है। इस पैकेज के अंदर वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच 4 स्टेशन का कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट डिटेल में 237.1 किलोमीटर के डबल लाइन हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और यहां के लोकेशन की बात करें तो ये भरूच डिस्ट्रिक्ट में नबीपुर विलेज में इसका अलाइनमेंट का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और आप अभी यहाँ पर नवंबर की प्रोग्रेस देख सकते हैं, यहाँ पर अभी पाइलिंग वर्क प्रोग्रेस में है, साथ ही साथ पाइल फाउंडेशन का निर्माण भी किया जा रहा है। ये अलाइनमेंट C4 पैकेज का ही हिस्सा है जिसका कंस्ट्रक्शन L&T द्वारा किया जा रहा है। ये 237.1 किलोमीटर का पैकेज मुंबई टू अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर का सबसे लॉन्गेस्ट पैकेज है। इस पैकेज के कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो अप्रॉक्स 25,000 करोड़ रुपीस में इसका कंस्ट्रक्शन कार्य किया जा रहा है। इसी पैकेज के अंतर्गत वापी, बिलीमोरा, सूरत और भरूच में 4 स्टेशन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और साथ ही साथ में सूरत में डिपो का कंस्ट्रक्शन भी किया जाएगा जो हाई स्पीड रेलवे के रखरखाव के काम आएगा, उसका कंस्ट्रक्शन सूरत में ही किया जाएगा। अब आप यहां पर अलाइनमेंट में हो रहे काम की प्रोग्रेस को देख सकते हैं। यहां पर पियर के फाउंडेशन के लिए पाइल फाउंडेशन का यूज़ किया जा रहा है। पाइलिंग यहां पर इस पोर्शन में हो चुकी है और अब इस पर पाइल कैप का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा और उसके बाद पियर का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी जायका द्वारा फंडेड किया जा रहा है और यहां पर इसके डेट ऑफ कम्प्लीशन की बात की जाए तो 9/12/2024 को इस पैकेज का कम्प्लीशन डेट रखा गया है। आप यहां पर देख सकते हैं पाइल के लिए यहां पर पाइल कैच का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है और साथ ही साथ यहां पर पाइलिंग रिग देख सकते हैं जिसके द्वारा यहां पर कंटिन्यूस पाइलिंग की जा रही है। यहां पर सभी पियर के कंस्ट्रक्शन में पाइल फाउंडेशन का यूज़ किया गया है और आप यहां पर देख पाएंगे कि जहाँ भी पाइल फाउंडेशन का यूज़ किया गया है वहाँ पर 5 पाइल का ग्रुप दिया गया है और 1 पाइल कैप का कंस्ट्रक्शन किया गया है। गुजरात के सभी डिस्ट्रिक्ट में जहां पर भी ये अलाइनमेंट क्रॉस कर रहा है वहां पर काम तेज़ी से किया जा रहा है। गुजरात के नवसारी डिस्ट्रिक्ट में यहां पर फर्स्ट गर्डर लॉन्चिंग जो नवंबर मंथ में हुआ उसका आप यहां पर देख सकते हैं कि पियर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद यहां पर 40 मीटर के बॉक्स गर्डर का इरेक्शन किया जा रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।